लक्षण चयन किए थे वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपर्यायी लक्षण होते हैं उसमें। मतलब एक लक्षण तो है लेकिन उसका क्या होता है? विपर्यायी होता है। ये टेबल में दिया गया है, टेबल को देख सकते हैं आप लोग बुक में, नीचे में जस्ट इसके कहना चाहिए एक टेबल दी गई है। टेबल में कहना कि देखिए सात करेक्टर क्या है, सात करेक्टर। ये सातों करेक्टर को याद रख लेंगे, जो भी स्टूडेंट कहना चाहिए नीट का एग्जाम दिलाना चाहता है वो सात करेक्टर को भी आप लोग याद रख लेंगे, क्योंकि इसको नीट में पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है कि चार ऑप्शन में दे दिया जाता है, उनमें से एक ऑप्शन मेंडल का सात विपर्यायी लक्षण में एक नहीं होता है, तीन होता है। तो आपको बताना है कि ये लक्षण विपर्यायी लक्षण में नहीं था। क्लियर? उसको मैं बता रहा हूं सात विपर्यायी लक्षण को। ये दिख रहा है जी? यदि ये साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग पुस्तक में देख लीजिए इसको, सात विपर्यायी लक्षण को। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपने पुस्तक में देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सात लक्षण है। पहला है पौधे की लंबाई, दूसरा है पुष्प का रंग, तीसरा है पुष्प की स्थिति, चौथा है बीज की आकृति, पांचवा है बीज की रंग, और छठवां है फली की आकृति, और सातवां है फली का रंग। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग सात लक्षण को। एक पौधे की लंबाई है, इसको पहले याद कर लीजिए लंबाई को। उसके बाद दो फ्लावर याद रखना, दो बीज याद रखना और दो फली याद रखना। ठीक है, एक याद रखेंगे लंबाई, ठीक है, दूसरा याद रखेंगे पुष्प का, दो याद रखेंगे बीज का, दो याद रखेंगे बीज पत्र का। टोटल कहना चाहिए सात विपर्यायी लक्षण रखना है। पहला तो एकदम बहुत सिंपल है, पौधे की लंबाई या तने की लंबाई। आप लोग देखेंगे मटर का पौधा, मटर का पौधा कहना चाहिए आप लोग आसानी से पा जाएंगे। तो मटर का पौधे में तने की लंबाई को देखना, ठीक है, तो उसमें कहना है कि कुछ पौधों में तना की लंबाई क्या रहेगा? लंबा, और कुछ में क्या रहेगा? पौना। जिसमें लंबा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में टाल, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? टाल, और बौने को क्या बोलेंगे? द्वार। क्लियर? तो ये विपर्यायी लक्षण हुआ कि नहीं हुआ? ये विपर्यायी लक्षण हुआ कि नहीं हुआ? पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई में वो लंबा भी हो सकता है और बौना भी हो सकता है, तो ये विपर्यायी लक्षण हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि पानी को हम लोग बोलते हैं जल या नीर या अम्बू, ये वैसे व्यक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मटर की कहना चाहिए पौधे की लंबाई लंबा हो सकता है, बौना भी हो सकता है। क्लियर? उसके बाद देखिए पुष्प का रंग, तो पुष्प का रंग किसी मटर में क्या हो सकते हैं? लाल, तो किसी में क्या हो सकते हैं? सफेद। ये रंग को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब ये भी क्या है? विपर्यायी लक्षण है। उसके बाद पुष्प की स्थिति, अग्रस्थ और कक्षस्थ। जैसे कि मान लो ये तना है, ये अग्र भागों में पाया जाएगा तब इसको अग्रस्थ बोलेंगे, यदि यहाँ पर फ्लावर नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा कक्ष में, तब इसको क्या बोलेंगे? कक्षस्थ। ठीक है, तो स्थिति में कहना चाहिए क्या हो सकता है? कक्षस्थ या फिर अग्रस्थ, अग्रभाग या अग्रभाग के जस्ट बगल में, कक्ष में। उसके बाद है पुष्प की आकृति या बीज की आकृति। बीज की आकृति क्या हो सकता है? गोल चिकने एवं झुर्रीदार। उसके बाद बीज की रंग पीला हो सकता है या हरा हो सकता है। उसके बाद है फली की आकृति और रंग, ये चिकनी या फिर संकीर्णित रिंकलेट, ग्रीन या फिर येलो।
ठीक है ना। तो ये सात लक्षण आपको पहले याद करना पड़ेगा। पहले लंबाई को ध्यान देंगे, उसके बाद दो लक्षण फ्लावर से है, दो लक्षण सीड से है और दो लक्षण सीड पार्ट से है, मतलब बीज पत्र है। वास्तव में बीज जो लिखा हूं ना वो बीज पत्र है। सात करेक्टर याद रखेंगे और इन सातों में क्या पाई जाती है, विपर्यायी लक्षण। ये विपर्यायी लक्षण ही कहना चाहिए मटर के पौधे चयन करने का क्या है मुख्य कारण है। इसमें थोड़ा सा और याद रखेंगे, टेबल को देखेंगे तो ये क्या होता है, प्रभावी गुण है। ये यहाँ लिखा हूं ना प्रभावी गुण डोमिनेंट, यहाँ पर लिखा हूं अप्रभावी मतलब रिसेसिव अप्रभावी, और ये क्या है प्रभावी। ये जो प्रभावी गुण होता है अप्रभावी गुण को क्या कर देता है, दबा देता है। मतलब हम लोग इससे पहले हम लोग जस्ट इनहेरिटेंस में पढ़े थे, जो नई चाइल्ड बनती है उसमें माता के भी लक्षण होते हैं और पिता के भी लक्षण होते हैं, लेकिन नई संतान में किसका लक्षण ज्यादा दिखाई देता है, मेल का मतलब पिताजी का। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें माता के लक्षण नहीं पाई जाती है, उसमें माता के भी लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन माता के लक्षण क्या होती है अप्रभावी होती है और पिता का लक्षण क्या होता है प्रभावी होता है। तो प्रभावी गुण अप्रभावी गुण को क्या कर देता है, वो दबा देता है, जिसके कारण अप्रभावी गुण दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगली पीढ़ी में या और अगली पीढ़ी में कहीं न कहीं क्या होती है, प्रकट होती है, मतलब माता का गुण पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। क्लियर। तो याद रखेंगे सात लक्षण याद रखेंगे और ये प्रभावी लक्षण है और ये क्या है अप्रभावी लक्षण है। याद रखेंगे हमेशा प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को क्या कर देगा, दबा देगा। ये किसके अनुसार है, मेंडल के अनुसार है, हालांकि ये वास्तव में लागू भी होता है, लेकिन सबसे पहले कहना चाहिए मेंडल ने ही बताया था। इतना क्लियर समझ में आ रहा है जी, आगे बढ़े। अब उसके बाद कहना चाहिए मेंडल के सफलता के कारण, मेंडल के सफलता के कारण, मेंडल के सफलता के कारण, ठीक है, मेंडल के सफलता के क्या कारण हो सकते हैं, मेंडल के सफलता के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए मेंडल के सफलता के तो कई कारण है, लेकिन एक याद रख लेंगे तीन चार। मेंडल को कहा जाता है ये गणितज्ञ भी थे, मेंडल कहना चाहिए गणित भी जानते थे, इसी कारण कहना चाहिए उन्होंने जो 10,000 पौधों पर प्रयोग किया था और उनका जो आंकड़ा आया था उस आंकड़े का इन्होंने क्या किया था, गणितीय विश्लेषण मतलब सांख्यिकी विश्लेषण किया था। यह भी कहना चाहिए इसके सफलता के एक कारण है। और इनकी सफलता के सबसे मुख्य कारण ये रहे हैं कि ये बहुत ही भाग्यशाली रहे हैं कि इन्होंने कहना चाहिए जो सात करेक्टर चुने वो सातों करेक्टर क्या थे, एक दूसरे के एंटी थे, मतलब विपर्यायी लक्षण थे। और ये सात करेक्टर जिसको भी एक बार नेट में पूछा गया था याद रख लेंगे, मेंडल ने ये बताया था जो सात करेक्टर होते हैं वो कितने गुणसूत्र में पाए जाते हैं। हमको पता होगा हमारे शरीर में जितना भी लक्षण होता है वो क्रोमोसोम में ही पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है जीन होता है। तो हमारे शरीर में जितना भी करेक्टर है, चाहे लंबाई हो चाहे ऊंचाई हो चाहे व्यवहार हो, जितना भी कहना चाहिए हमारे शरीर में जो लक्षण होती है, इन लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, गुण सूत्र, और गुण सूत्र में डीएनए और डीएनए में जीन। और हमको पता है डीएनए जीन क्या होता है, आनुवंशिकी पदार्थ होता है। तो मेंडल ने यह बताया था जो सात लक्षण पाए जाते हैं वो मात्र चार गुण सूत्र में पाए जाते हैं। कितने गुण सूत्र में पाए जाते हैं, चार। तो भाग्यशाली है कि नहीं, क्यों भाग्यशाली है, यदि एक उदाहरण देता हूं, यदि ये सात लक्षण 100 क्रोमोसोम में पाई जाती, मान लो 100 क्रोमोसोम में पाई जाती, तब क्या होता, मेंडल को क्या दिक्कतें आता, उसको 100 क्रोमोसोम को अध्ययन करना पड़ता, क्योंकि ये सात करेक्टर किसमें पाए जाते हैं, मान लो 100 क्रोमोसोम में। तो मेंडल भाग्यशाली थे कि ये सात एंटी विपर्यायी लक्षण किसमें पाए जाते हैं, मात्र चार क्रोमोसोम में, और चार क्रोमोसोम का आसानी से क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। क्लियर। और जो विपर्यायी लक्षण थे उनकी वंशक गति का भी अध्ययन किया इन्होंने, मतलब
पहली पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी से चौथे पीढ़ी, मतलब इनके इनहेरिटेंस का इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। और मटर का पौधा तो एक वर्षीय होता है, इसको तो पहले से ही जानते हैं, जिससे कहना चाहिए आसानी से इनके कई पीढ़ियों का क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है जी। मेंडल की सफलता के कारण ये गणितज्ञ भी थे, भाग्यशाली भी थे, सात विपरीत लक्षण थे, वो चार गुण सूत्र पर पाए जाते हैं। इन लक्षणों के कहने चाहिए इन्होंने वंशक गतिकी का भी अध्ययन किया था। मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, तो आसानी से कहना चाहिए अनेक पीढ़ियों का क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद आपके पुस्तक में अगला दिया गया है अज्ञात रहने का कारण। मेंडल का कहना चाहिए अज्ञात रहने का कारण, अज्ञात रहने का क्या कारण है, आप लोग को मैं शुरू में बताया था। मेंडल ने कहना चाहिए अपना जब खत्म हो गए बंद कर, तो जो शोध पत्र प्रकाशित किए थे 1865 में, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, तो उसी समय बताया था डार्विन और वैलेस का सिद्धांत आया था, और सिद्धांत का नाम क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। तो उस नेचुरल सिलेक्शन के कारण, उस प्रसिद्ध सिद्धांत के कारण ये कहना चाहिए 30-40 साल तक मेंडल कहाँ चले गए थे, अज्ञातवश, और उस बीच में कहना है कि उनकी क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। हालांकि बाद में 1900 में जब तीन वैज्ञानिक आते हैं और पुनः प्रयोग करते हैं और ये बताते हैं कि हम जो आज प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग को तो पहले कहना कि मेंडल ने कर दिखाया था और उनके आंकड़े भी सही हैं, तो बाद में कहना कि उसको सफलता मिली थी और वो बहुत ही पॉपुलर भी हुए थे। इतना क्लियर? ठीक है जी। आगे है उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है संकरण, संकरण है क्या चीज। संकरण का उदाहरण मैं कॉमन शब्द में बताता हूं, देखिए संकरण मतलब होता है जैसे कि मान लो हम लोग ये देखते हैं आए दिन धान की नई नई प्रजाति आती है, नई प्रजाति कहाँ से आती है, कौन से माध्यम से आती है, ये हॉर्टिकल्चर की देन है। संकरण मतलब मान लो कहना कि एक पौधे उसका जाति का नाम अमुक है, दूसरे पौधे धान कहीं है, दोनों धान कहीं कहना चाहिए पौधे हैं, इनका कहना चाहिए अलग नाम है और इनका नाम क्या है, अलग नाम है। ठीक है, मान लो कहना चाहिए एक गोल्डन राइस है और एक क्या है, बासमती है। अब इनके कहना चाहिए जो 50% अच्छे गुण है और इसके कहना चाहिए 50% अच्छे गुण है, इनके 50% अच्छे गुण को डीएनए के माध्यम से अलग किया जाता है, इसके 50% गुण को डीएनए के माध्यम से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इनके अच्छे गुण ले लिए और इनके अच्छे गुण ले लिए और दोनों को मिलाकर टिश्यू कल्चर के माध्यम से या भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोनों को मिलाकर एक नई प्रजाति बनाई जाती है, तो इस नई प्रजाति को क्या कह दिया जाता है, हाइब्रिड जाति। क्या कहा जाता है, हाइब्रिड जाति। जैसे कि हम लोग जाएंगे कोई भी एग्रीकल्चर दुकान में बीज लेने के लिए, तो जो कहना चाहिए जो दुकान का मालिक होता है वो भी बोलता है, यदि माल लोन नहीं पढ़ा है फिर भी बोलता है ये हाइब्रिड प्रजाति है। क्या प्रजाति है, हाइब्रिड उसमें लिखा रहेगा। तो हाइब्रिड क्या है, मतलब संकरण कराने के बाद जो नई प्रजाति प्राप्त होती है उस नई प्रजाति को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड, और जो कराया जाता है उसको क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। इस विधि से धान की कहना चाहिए 40,000 से अधिक जातियां, गेहूं की अधिक जातियां, मतलब जितने भी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो जितना भी कहना चाहिए हॉर्टिकल्चर का मतलब बीज का, फल का, सब्जी का, जितने भी पैकेट में हमको जो बीज दिखाई देता है वो सब क्या है, वो हाइब्रिडाइजेशन के कारण नई जाति, हाइब्रिड जाति मिलती है। क्लियर? तो ये कहना चाहिए क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन संकरण, दो जातियों को मिलाया जाता है और नई जाति बनाया जाता है, ये कहना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है। अब जो नई जाति बनेगा उस नई जाति को क्या कहेंगे हम लोग,
हाइब्रिड मतलब संकर, संकर जाति, क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए फैक्टर, वास्तव में फैक्टर है क्या चीज, कारक है क्या चीज, ठीक है। तो कारक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि मेंडल ही एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने इस फैक्टर शब्द को दिया था, कारक शब्द को दिया था। ये फैक्टर है क्या चीज, कारक है क्या चीज, ठीक है। तो मेंडल ये बताए थे, जब मेंडल ने अपना प्रयोग कर रहे थे तो उसको भी थोड़ी बहुत ये पता था कि माता पिता में, जनक में कुछ न कुछ अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। इसको तो अरस्तु ने भी बताया था रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी में, होमोकुलस थ्योरी में भी बताया गया है, पेनजेनेसिस थ्योरी में भी बताया गया है, फ्लड थ्योरी में भी बताया गया है कि माता पिता में, जनकों में कुछ न कुछ कहना चाहिए क्या होता है उसमें, पदार्थ होते हैं। हालांकि उस समय अनुवांशिक पदार्थ नहीं कहा गया था, लेकिन कुछ न कुछ पदार्थ होते हैं जो एक पीढ़ी से कहां जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसी कारण अगला पीढ़ी अपने माता पिता के ही समान दिखाई देता है अनुवांशिकी के कारण। तो मेंडल को इतना तो पता था कि कुछ न कुछ पदार्थ तो है, लेकिन इतना पता नहीं था कि वास्तव में वो है क्या चीज, ठीक है। तो मेंडल ने कहना चाहिए कि जो वंशगत रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाली इकाई को, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाली जो इकाई है, उसी इकाई को उन्होंने क्या कहा, फैक्टर कहा, क्या कहा, कारक कहा, ठीक है। और बाद में 1909 में इसी फैक्टर को क्या नाम दे दिया गया, जीन। 1909 में जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने जब जीन का खोज किया तो इसको क्या कह दिया गया, जीन। और मेंडल ने इसको क्या कहा था, फैक्टर, क्योंकि उस समय कुछ भी खोज नहीं हुआ था, ये उस समय की बात है। तो मेंडल कहना चाहिए अनुवांशिकी पदार्थ को फैक्टर, फैक्टर कारक शब्द का उपयोग करते थे। उन्होंने ये भी बताया था हमारे शरीर में कहना चाहिए जो लक्षण है, हमारे शरीर में कहना चाहिए हजारों लक्षण पाई जाती है, तो इन लक्षणों को निर्धारित करने वाले लक्षण या इन लक्षणों को निर्धारित करने वाला भी कौन होता है, कारक ही होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षण दिख रहे हैं, कोई भी जीव में देखिए, किसी भी प्लांट में देखिए, उसमें बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो उन जीवों में, चाहे पौधों हो चाहे जंतु, उनमें पाए जाने वाले लक्षणों को कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर। कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर, कारक। और ये कारक हमेशा किस रूप में पाए जाते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, जोड़ी में। जैसे कि मान लो ये फैक्टर है, ये दोनों बड़ा टी, ठीक है, ये दोनों छोटा टी, ये बड़ा टी और ये छोटा टी, ये सब क्या है, ये फैक्टर है। इसको बंद कर दो, ठीक है। ये कहना चाहिए क्या है, ये फैक्टर, ये दोनों प्रभावी है और ये दोनों क्या है, अप्रभावी है। और ये क्या है, ये प्रभावी और अप्रभावी है। तो ये जो फैक्टर होता है हमेशा किस रूप में पाए जाते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं। ये जोड़ी दिख रहे हैं ना, दोनों बड़ा टी, दोनों छोटा टी, और ये बड़ा और छोटा टी, ये जोड़ी में पाए जाते हैं। हालांकि जब ये दोनों बड़ा है तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रभावी। अब एक बड़ा और एक छोटा है तब क्या बोलेंगे, हाइब्रिड है लेकिन प्रभावी। अब ये दोनों छोटा है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रभावी, क्लियर। लेकिन जब दोनों बड़ा लिख देते हैं या फिर दोनों को छोटा लिख देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। क्या कहेंगे इसको, होमोजाइगस। और एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तब इसको हम लोग क्या शब्द उपयोग करेंगे, हेटरोजाइगस। जब दोनों या तो बड़ा हो सकता है या फिर दोनों छोटा हो सकता है, मतलब एक समान है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। और एक बड़ा एक छोटा है तब इसके लिए हम लोग कौन सा शब्द उपयोग करेंगे, हेटरोजाइगस, क्लियर। ये दोनों कारक जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, ये फैक्टर जोड़ी में पाए जाते हैं,
लेकिन जब ये जोड़ी जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो उस समय ये जोड़ी क्या हो जाती है, टूट जाती है, मतलब सिंगल रूप से जाती है अगली पीढ़ी में। शब्द को विशेष रूप से याद रखेंगे आप, ये हमेशा कहना चाहिए जोड़ी में तो पाए जाते हैं, लेकिन जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो कारकों की जोड़ी क्या हो जाती है, टूट जाती है, मतलब सिंगल रूप में जाती है। पिता से भी सिंगल रूप में जाएंगे और माता से भी सिंगल रूप में जाएंगे और एक दूसरे को प्रभावित किए बिना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो ये है कारक, मतलब फैक्टर। फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या है? तो मेंडल के अनुसार फैक्टर उस समय का क्या है, ये अनुवांशिक पदार्थ है जिसको बाद में क्या कह दिया गया, जीन कह दिया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। मेंडल का लाइफ हिस्ट्री, मेंडल के कार्यों का पुनः खोज, मेंडल ने कहना चाहिए मटर के पौधे को ही कहना चाहिए क्यों चयन किया था, तो चयन होने का कारण, ठीक है, उन्होंने मटर का चयन किया था तो उसमें सात क्या होते हैं, विपर्यायी लक्षण होते हैं। क्लियर, आगे है मेंडल के कहना चाहिए सक्सेस होने के क्या कारण थे, तो सफलता होने के उसके कई कारण थे। उसके बाद है अज्ञात रहने का कारण, तो अज्ञात रहने का कारण भी देख लिए हम लोग। उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन, ये भी देख लिए। उसके बाद है फैक्टर, मतलब कारक, कारक है क्या चीज मेंडल के अनुसार, तो मेंडल के अनुसार कारक उस समय क्या था, वंशगत रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले इकाई को क्या कहा गया, फैक्टर। बाद में इसी को क्या कहा गया, जीन। ये फैक्टर हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं, तब इस प्रकार से रहेंगे तब होमोजाइगस कहलाएंगे और इस प्रकार से रहेंगे तब क्या कहलाएगा, हेटरोजाइगस कहलाएंगे। क्लियर, इतना ठीक है जी। अब उसके बाद अनुवांशिकी संबंधित कुछ छोटे छोटे शब्द है, अनुवांशिकी संबंधी कुछ क्या है, छोटे छोटे शब्द है, कुछ तकनीकी शब्द है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको अधिकांशता दो नंबर में पूछ दिया जाता है, अधिकांशता इसको दो नंबर में पूछ दिया जाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे तकनीकी शब्द है जो कहना चाहिए अनुवांशिकी से संबंधित है। क्लियर, अनुवांशिकी संबंधी कुछ छोटे छोटे कहना चाहिए तकनीकी शब्द है, ठीक है, ये छोटे जरूर है लेकिन कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से अधिकांशता ये क्या